नीति के साथ तेरी नजदीकियां ठीक नहीं है। नीति का जो पागलपन है संजू को पाने के लिए वो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ भी करके संजू को हासिल करके ही रहेगी। मैनू पता है नीति, तेनू मेरा पुत्र बहुत पसंद है। आपका बेटा है ही लाखों में एक, उसे कोई कैसे पसंद नहीं करेगा। भाई जी, आपका सपना बिल्कुल सही था। नीति की आदाश नहीं गई है, वो सबको बेवकूफ बना रही। अगर मैं कहूँ कि मुझे शैली नहीं पसंद, कोई और पसंद है तो? कौन? चीजू। चीजू। भाई शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो नीति है ना, वो अपने प्लान को बड़े ही स्मूथली चला रही है। और यहाँ पर जो राजीव है उससे नीति गले मिलती है, यानी कि राजीव नीति को समझा बुझा रहा है एक दोस्त के नाते। मैनू पता है नीति, तेनू मेरा पुत्र बहुत पसंद है। आपका बेटा है ही लाखों में एक, उसे कोई कैसे पसंद नहीं करेगा। भाई जी, आपका सपना बिल्कुल सही था। नीति की आदाश नहीं गई है, वो सबको बेवकूफ बना रही। अगर मैं कहूँ कि मुझे शैली नहीं पसंद, कोई और पसंद है तो? कौन? चीजू। और कहता है चलो अब तुम आराम करो, मैं परी को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। तो यहाँ पर नीति कहती है नहीं नहीं मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, और तुम मुझे कोई जरूरत नहीं है, परी की तुम ही काफी हो। तो राजीव को ये सारी बातें अटपटी लगती है और वो थोड़ा सा कॉन्शियस इनसिक्योर सा हो जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल मतलब फील करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति जो है अपनी बात पलटती हुई दिखाई देती है कि राजीव को अभी एकदम से शक ना हो। दूसरी तरफ जो ताई जी नीति पर आए दिन शक कर रही थी, अपनी चाल चलने की कोशिश कर रही थी नीति के खिलाफ, वही ताई जी नीति को गले मिल रही है और कह रही है बेटा पुत्र मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझ पे शक किया, मैनू माफ कर दे। अब यहाँ पर नीति जो है भाई उसका तो हो गया प्लान कामयाब। नीति जो है यही तो चाह रही थी कि वो स्मूथली सारा कुछ कर सके और स्मूथली अब हो भी जाएगा। तो क्योंकि ताई जी को भी लगता है कि नीति की कोई गलती है ही नहीं, नीति की सच में यादाश्त गई है। लेकिन यहाँ पर जो राकेश है वो दलजीत को फोन करता है और बोलता है कि नीति जो है एक प्लान बना रही है और नीति की जीत में ही हमारी जीत है। तब दलजीत को भी कुछ समझ नहीं आता है और राकेश फिर उसे इन शॉर्ट में समझा भी देता है। तो खैर आने वाले एपिसोड में नीति और क्या करती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।